जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और देवी माँ का नाम लेने से उनकी विशेष कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहती है और हमारे सारे दुखों का नाश होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन जिस तरह से माँ भगवती की पूजा की जाती है और उसका विशेष महत्व होता है, उसी तरह से अगर श्री दुर्गा सप्तशती के सारे अध्यायों का पाठ आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो माँ दुर्गा की विशेष अनुकंपा आपको प्राप्त होती है। इसीलिए माँ दुर्गा के सप्तशती अध्याय को शुरू करने से पहले आपको स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाना है, साफ कपड़े पहनने हैं, उसके बाद शांत मन से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपको दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करना चाहिए। जो भी भक्त माँ दुर्गा के सप्तशती अध्यायों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कहता है या सुनता है, माँ भगवती उस पर हमेशा प्रसन्न होती हैं और सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नीचे दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलेगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आपके लाइक्स और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने चैनल पर और अधिक पूजा से संबंधित जो भी जानकारी है, व्रत की कथाएं हैं, वो अपलोड कर सकूं। चलिए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें? असुरों का नाश करने वाली, भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें? हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया, तुम सखी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सखी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली हो, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पद वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो।
लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोधित हो जाती हैं, तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की कभी कमी नहीं होती, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोक में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मरना इसलिए है कि शस्त्रों द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति के किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने में आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो भी तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधी निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती,
तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि कोई वर हमें देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुंभ का वध करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी वह सारा वृतांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ।